हेलो एवरीवन, स्वागत है नॉलेज विद सच यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे नोटपैड के बारे में। नोटपैड आखिर है क्या, इसका उपयोग क्या क्या है और इसे कैसे उपयोग में लेते हैं। तो आप पहले हम आपको बता दें कि नोटपैड एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसी का एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही बनाती है, और इसका उपयोग आप मोबाइल में भी कर सकते हैं और इसका बताएं तो आप सामान्य लेखन में भी इसका उपयोग करते हैं। कुछ पैराग्राफ या कुछ अपना पहला कुछ लिखना चाहते हैं, लेटर वोटर आप यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से। इसका विंडोज वन से ही इसका एक संस्करण उपलब्ध है और इसे आप बताए हैं आपको दस्तावेज का प्रलेखन बनाने में सुविधा देती है। कुछ खास नहीं, मगर आप इससे कुछ HTML या कुछ ग्राफिक्स का कार्य भी कर सकते हैं। तो आप नोट पर जाने के लिए सबसे पहला एक बता देते हैं, आप यहाँ पर NOTPAD लिख कर यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं तो नोट पैड आ जाएगा। और आपको दूसरा तरीका बताए तो यहाँ पर आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कर सर्च बार में यहाँ पर इसमें नोट पैड सर्च कर सकते हैं। एसेसरीज का नाम कर होगा विंडोज एसेसरीज, यहाँ से भी आप जाकर नोटपैड पर जा सकते हैं। तो चलिए हम नोटपैड के कुछ मेनुओं के बारे में जानें। तो सबसे पहले है फाइल। फाइल में न्यू आता है, तो न्यू का मतलब ये होता है कि नया फाइल बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ भी लिखे हैं, आई लव माई इंडिया लिखे हैं, इसको आप अगर यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहले आप आगे बताएंगे आपको। हाँ तो चलिए, तो न्यू का मतलब ये हुआ कि नया फाइल, आपको पहले ही बताया नया फाइल बनाने के लिए न्यू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से नया फाइल ओपन हो गया, न्यू फॉर विंडोज, एक नया नोटपैड यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो नया नोटपैड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप कुछ कर सकते हैं, तो फिलहाल इसको कट करते हैं। सेव करने के लिए प्रेस करा, डोंट सेव कर दिया, ओपन। अगर आप कुछ सेव किए हैं, जैसे मैंने पिछला कुछ लिख कर सेव किया है, तो उसको आप ओपन का प्रयोग कर, ओपन का मतलब यही होता है कि कुछ आप फाइल पहले से बनाए हैं उसको ओपन करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। सेव, इसको सेव करने के लिए तो मैंने पहले ही सेव कर दिया। सेव का मतलब ये होता है कि आप कुछ लिखे हैं उसको सेव करने के लिए सेव का प्रयोग किया जाता है। सेव एज, अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर इंडियन लिख दे रहा हूँ, एन बैठा दे रहा हूँ। इसके बाद सेव एज पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से पूछ रहा है इसी में सेव करना है, तो यहाँ पर यस ओके कीजिएगा या यस कीजिएगा तो सेव हो जाएगा। पेज का सेटअप करने के लिए, पेज का सेटअप अगर आप कुछ पैराग्राफ या कुछ लिखे हैं और उसका प्रिंट कराना है तो पहले पेज का सेटअप किया जाता है। तो यहाँ से आप पेज का सेटअप कर सकते हैं, साइज चूज कर सकते हैं, A4, A5 कुछ भी ले सकते हैं, फिलहाल A4 रहने देते हैं। यहाँ से आप बहुत सारे कुछ ऑप्शन खुले हैं, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। प्रिंट, इसमें प्रिंट लेने के लिए आप इसका प्रिंट का प्रयोग किया जा सकता है। आप कुछ लिखे हैं उसको प्रिंट करना है, यहाँ प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं या Ctrl+P भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइल मेनू का ये 6-7 ऑप्शन रहा। अब आते हैं एडिट मेनू में। एडिट मेनू में अंडू, अगर आप कुछ लिखे हैं अगर डिलीट हो जाता है तो आप यहाँ से अंडू क्लिक करके, अंडू पर क्लिक करके या Ctrl+Z पर क्लिक करके उसे वापस मंगा सकते हैं। यहाँ पर कट, अगर इसको कट करके दूसरी जगह ले जाना है तो Ctrl+X का प्रयोग कर देंगे, यहाँ से सफा से हट जाएगा। तो फिर यहाँ पर आप अगर लाना है तो अंडू कर देंगे, वापस आ जाएगा। अगर आपको कट के बाद कॉपी, कॉपी का मतलब ये होता है कि इस फाइल को आपको कॉपी करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो इसलिए इसका कॉपी का प्रयोग किया जाता है। इसका शॉर्टकट है Ctrl+C। तो यहाँ पर भी कॉपी कर लीजिए और यहीं पर लाना है इसको। तो यहाँ पर आकर
पेस्ट का मतलब होता है जो कॉपी आप किए हैं, कहीं पर भी आप कहीं पर भी उसको लाकर पेस्ट कर सकते हैं। हम यहीं पर पेस्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा, जितना पेस्ट कीजिएगा उतना हो जाएगा। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए और डिलीट पर क्लिक कीजिए, डिलीट हो जाएगा। फाइंड, अगर आपको कुछ सर्च करना है जी हाँ, मतलब कि कोई बहुत सारा पैराग्राफ लिखे हैं, बहुत सारा वर्ड में आपको कुछ वर्ड सर्च करना है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे हमको सर्च करना है लव, ठीक, यहाँ पर लव लिखकर और आप सर्च कर सकते हैं। इसको ऑफ कर दीजिए, डाउन में तो नहीं लिखे हैं, ऑफ में लिखे हैं, तो इसको ऑफ देखिए, लव हाईलाइटेड हो गया। आपको कुछ भी सर्च करना है, यहाँ पर आपको इंडियन ही सर्च करना है तो इंडियन लिख दीजिए। क्यों नहीं आ रहा है तो डाउन में आ गया, इसको डाउन में करना होगा। वो लव को सर्च करने के लिए ऑफ में करना होगा क्योंकि सबसे पहले वो है, उसके बाद इंडियन है। तो आपको फाइंड समझ में आया। इसके बाद है नेक्स्ट, है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर, तो इसके बाद तो कुछ लिखे नहीं है इसलिए इसका ऑप्शन नहीं खुल रहा है। अगर आप कुछ लिखे होंगे तो फाइंड नेक्स्ट का उसके बाद वाला बताएगा। फाइंड प्रीव्यू एक है, फाइंड प्रीव्यू, फाइंड का प्रीव्यू देखने के लिए, तो ये भी तो नहीं होगा क्योंकि और कुछ तो लिखे नहीं है। रिप्लेस, और रिप्लेस एक अच्छा शब्द है जो आपको बता दे, अगर यहाँ पर रिप्लेस करना है, यहाँ पर दूसरा को इंडियन की जगह पर दूसरा कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमें लिखना है, पहले तो पुराना वाला लिखेंगे, इंडिया लिखेंगे, और यहाँ पर चेंज करना है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखना है भारत ही लिखना है, इंडियन की जगह पर भारत लिखना है, तो यहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक दीजिए, हो जाएगा, वहाँ पर चेंज हो जाएगा भारत। और फिर वापस लाना है तो यहाँ पर आपको भारत लिखना होगा। और यहाँ पर आपको इंडियन लिखना होगा। और रिप्लेस पर करेगा फिर पुराना ही वाला आ जाएगा। तो ये अच्छा सा शब्द है, इसका आप यूज कर सकते हैं। और इसको जो पहले से हम सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर भी आप कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर सकते हैं पूरा को, और कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो यहाँ से भी आकर कंट्रोल सेलेक्ट ऑल कर पर क्लिक कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ए। और यहाँ पर अगर आपको ये सब नहीं शो कराना है, अगर यहाँ पर आपको टाइम डेट भी शो कराना है तो यहाँ पर F5 भी क्लिक कर सकते हैं या टाइम डेट क्लिक कर सकते हैं। देखिए टाइम डेट शो हो गया, सॉरी। अब आते हैं फॉर्मेट मेन्यू, अगला मेन्यू है फॉर्मेट मेन्यू। तो यहाँ पर आप फॉन्ट का साइज, ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसलिए आप फॉन्ट का साइज कैसा रखना चाहते हैं, फॉन्ट स्टाइल कैसा रहना चाहिए या फॉन्ट कैसा रहना चाहिए, ये सब आप इससे चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट आएंगे, हिंदी इंग्लिश बहुत सारे आएंगे, फिलहाल हम कॉपर ब्लैक रखते हैं। कॉपर रखते हैं या फिर सीधा रख लेते हैं, वो भी अच्छा है, कुछ भी यहीं रख लेते हैं। उसके बाद इसका फॉन्ट का साइज आप चेंज कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं, जितना हो इतना, 72 या कुछ भी कर सकते हैं। और ओके पर क्लिक कर दीजिए, बड़ा हो गया। और यहाँ से केवल व्यू देखने के लिए आप इसको जूम कर सकते हैं, ये और बड़ा करने के लिए, जूम इन करने के लिए इसको कंट्रोल प्लस कीजिएगा, और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस भी क्लिक कर सकते हैं, या इस पर भी क्लिक कीजिएगा तो जूम होगा, या शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस पर क्लिक कीजिएगा तो बड़ा होगा, या कंट्रोल माइनस पर कीजिएगा तो छोटा होगा।
स्टेटस बार देखना है तो स्टेटस बार पर क्लिक कीजिए, और हेल्प में अगर आपको कुछ और सहायता लेना हो तो आप हेल्प से जाकर अबाउट नोटपैड पर क्लिक कीजिएगा, और आपको यहाँ से नोटपैड के बारे में और सारी सहायता मिल सकते हैं। तो ये रहा हमारा नोटपैड। अब हम आपको बताते हैं, नोटपैड तो समाप्त हो गया। अगर आपको नोटपैड अच्छा लगा तो ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल वो नॉलेज विद सच पर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।